दोस्तों आज भी लेके आ गया बहुत ही कमाल की टेक और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड न्यूज अपडेट्स को लेके। और दोस्तों सबसे पहला अपडेट निकल के आ रहा है आइको की तरफ से। आइको की नियो सीरीज 205 वाली वो लॉन्च हो चुकी है आज चाइना के अंदर। आइको नियो 5SE और आइको नियो 5S ये दो फोन उन्होंने आज लॉन्च किए हैं। और दोस्तों इन दोनों की प्राइसिंग जो है मैं कहूंगा अच्छी है। आपको बता दूं सबसे पहले SE की बात करते हैं दोस्तों, 5SE दोस्तों जो 5SE है ये आता है Qualcomm Snapdragon 870 प्रोसेसर पे। और इसका प्राइस अगर मैं इंडिया में कन्वर्ट करके बताऊं आपको तो 26,100 रुपीज के अराउंड पड़ता है आपको। दोस्तों देखते हैं कि इंडिया में कब तक आते हैं फोन। वैसे ये फोन जो आता है ये आता है 6.30 इंच की डिस्प्ले के साथ में। दोस्तों डिस्प्ले साइज थोड़ा सा कम है, जैसे हम 6.4 रखते हैं मिनिमम, तो ये उससे थोड़ा सा कम हो गया इस बार। वैसे इसके अंदर आपको जो फ्रंट में कैमरा मिलेगा वो मिलेगा 16 मेगापिक्सल का। और दोस्तों बैटरी जो है वो मिलेगी 4500 mAh की। वैसे इसके अंदर आपको एक फास्ट चार्जर मिल जाएगा 55 वॉट का। दोस्तों ये सही है, एंड्रॉयड 12 के ऊपर ही रन होंगे। दोस्तों ये एक बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे, एंड्रॉयड 12 आ चुका है इन फोन के अंदर ऑलरेडी। और दोस्तों इसके अंदर आपको 3 यानी कि ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल जाएगा और बैक साइड पे 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का। और दोस्तों अगर हम बात करें एस मतलब 5S की, दोस्तों ये फोन जो है 6.50 इंच की डिस्प्ले के साथ में आता है। ये एमोलेड डिस्प्ले है दोस्तों, और इसके अंदर आपको जो प्रोसेसर मिलेगा वो मिलेगा Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर, तो काफी ज्यादा पावरफुल फोन है। अब दोस्तों अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो ये अगर मैं कन्वर्ट करूं यहां इंडिया के हिसाब से तो ये आपको पड़ेगा अराउंड 32,100 रुपीज। दोस्तों 888 प्रोसेसर वो भी 32,100 रुपीज के अराउंड, तो बहुत सही है। मतलब 888 तो मेरे ख्याल से 40 के अराउंड पड़ता है, तो ये काफी अच्छा प्राइस है। और दोस्तों अगर मैं कैमरा सेटअप की बात करूं तो फ्रंट में वही 16 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलेगा। और दोस्तों इसके अंदर जो है आपको रियर साइड में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, पर इसमें थोड़ा चेंजेस है, 48 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल। और दोस्तों इसके कैमरे जो है बहुत ज्यादा रिफाइंड है, पर अगर आप SE को देखोगे तो उसमें कैमरा थोड़े बड़े हैं। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके अंदर एंड्रॉयड की, तो इसके अंदर भी आपको 12 मिलेगा और इसकी जो बैटरी है दोस्तों वो भी 4500 mAh की है। और दोस्तों अगर मैं चार्जर की बात करूं तो इसके अंदर आपको मिला है 66 वॉट का। तो दोस्तों इतना कुछ बता दिया आपको, आप बताइएगा कब तक इंडिया में आपको लगता है कि आ जाएंगे। और दोस्तों लास्ट वीक के अंदर BGMI यानी कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के अंदर दोस्तों 1 लाख से भी ज्यादा अकाउंट्स को बैन किया गया है। दोस्तों अगेन जो है फिक्र ना मतलब रोज निकल के आ जाती है कि पिछले वीक भी ऐसे कुछ निकल के आए थे 1,42,000 के करीब, और इस बार जो है 1 लाख अकाउंट्स को बैन किया गया है जो चीटिंग करते पकड़े जाते हैं। दोस्तों मुझे ये भी समझ में आता है कि लोग हटते क्यों नहीं है चीटिंग करने से, कि मतलब हमें तो करनी है जो मर्जी हो जाए, चलिए फिर वो अकाउंट बैन भी हो जाते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं BGMI जो है वो एक नई पॉलिसी लेके आने वाला है, वो सिर्फ अकाउंट को ही बैन नहीं करेगा, अब जो है वो थोड़े टाइम बाद एक नया अपडेट लेके आएंगे जिसके अंदर वो डिवाइस को ही बैन कर देंगे। यानी कि आपका IMEI नंबर जो होता है, जहां आपका जो डिवाइस का जो भी मॉडल नंबर वगैरह होगा उस हिसाब से आपके डिवाइस को भी बैन कर देंगे, किसी भी आईडी से आप उसमें लॉग इन ही नहीं कर पाओगे। दोस्तों ये फिर मतलब उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो मैं तो ये कहूंगा दोस्तों चीटिंग वगैरह करना बहुत गलत चीज है, फिर खेलिए आप सेफ खेलिए। और दोस्तों गूगल ने आज विंटर सीजन को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है। आपने उनका गूगल डूडल देखा होगा, अगर नहीं देखा दोस्तों मैं यहां पे डिस्प्ले कर दूंगा। दोस्तों उन्होंने लिख दिया है कि आज से उनकी विंटर सीजन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों उन्होंने ये लिखा है कि ये चाहेगा 20th मार्च 2022 तक, देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों आइको ने आज अपनी न्यू सीरीज तो लॉन्च कर दी है, साथ में ही उनकी आइको की U5 दोस्तों ये एक अलग सीरीज होता है यू सीरीज का, इसका फोन भी सामने निकल के आ चुका है। इसके अंदर आपको दोस्तों 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिलने वाली है, और इसके अंदर Qualcomm Snapdragon 695 होगा, यानी कि उन दोनों से छोटा फोन होने वाला है, पर दोस्तों अच्छा होगा देखते हैं बाकी। और दोस्तों इसकी जो है इमेजेस सामने निकल के आई है, आप देख सकते हो। और दोस्तों अगर मैं इसके बारे में कुछ और डिटेल बताऊं तो आपको ये आने वाला है 6.58 इंच की डिस्प्ले के साथ में, जो की होगी एमोलेड। और दोस्तों ये जो फोन आएगा ये आएगा 6GB और 128GB के पहले मॉडल के साथ में। अब दोस्तों देखते हैं ये चाइना में कब तक लॉन्च होता है और इंडिया में आता है या नहीं आता, क्योंकि दोस्तों यू सीरीज जो है वो इंडिया में अभी तक शायद मेरे ख्याल से नहीं आई है, बाकी देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों OnePlus 10 Pro जो है उसका लॉन्च इवेंट सेट हो चुका है जनवरी के अंदर। आपको बता दूं उनके को फाउंडर जो है उन्होंने कह दिया है कि जनवरी के अंदर OnePlus का बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर के साथ में जो कि है 8 Gen 1 ये फोन आने वाला है। दोस्तों देखते हैं क्या स्पेसिफिकेशन के साथ में आता है, जो हमने आपको पहले बता रखी है क्या वो वही रहती है या थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। और दोस्तों नॉइज की तरफ से उनके कलर फिट अल्ट्रा 2 दोस्तों ये स्मार्ट वॉच है बेसिकली, और ये इंडिया में लॉन्च होने के लिए कंफर्म हो चुकी है नॉइज की तरफ से।
उन्होंने आज इसे अनाउंस कर दिया है या अनवील कहेंगे। दोस्तों ये जो है काफी अच्छी है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप जाकर देखोगे तो आपको यहां मिल जाएगी। दोस्तों ये जो है IP68 की रेटिंग के साथ में आती है, तो यानी कि फुली वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ वगैरह सारा कुछ आपको मिल जाएगा। बाकी दोस्तों ये जो वॉच है जल्दी ही आने वाली है, देखते हैं कि इसका प्राइस कितना रहेगा। दोस्तों अगर हम एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो अभी मेरे पास डिटेल्स नहीं निकल के आई हैं, पर फिर भी दोस्तों नॉइस की है तो अराउंड 6-7,000 तो मिनिमम आएगा ही आएगा, बाकी देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक रिपोर्ट निकल के आई है, उन्होंने बताया है कि रियलमी का 9i जो कि आएगा चाइना में रियलमी 9i के नाम से, वो इंडिया में रियलमी नार्जो सीरीज में आएगा, रियलमी नार्जो 9i के नाम से। तो वहां का 9i यहां पे आके नार्जो सीरीज में आ जाएगा दोस्तों, मतलब रीब्रांडिंग शुरू हो चुकी है। और जो है रियलमी 9 प्रो प्लस इसको भी स्पॉट किया गया है, ये भी तैयारी में है दोस्तों लॉन्च करने में। और दोस्तों मैंने बताया था जनवरी के अंदर मिड के बाद 9 सीरीज जो है वो कंफर्म है, वो आनी आनी है, देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप बता दूं इसी के साथ में iPad Pro जो 2022 के अंदर लॉन्च करेगा एप्पल। दोस्तों इसके कुछ रेंडर्स देखो हैं सामने निकल के आए हैं, इमेजेस देख सकते हो। और दोस्तों इसके अंदर देखा जा सकता है ये ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ में आ रही है रियर साइड में, और फ्रंट में एक छोटी सी नॉच भी है। दोस्तों आप बताऊं ये जो iPad आएगा ये वाला काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है, प्लस ये वाला जो iPad आएगा ये आएगा आप कह सकते हो 11 इंच की एक डिस्प्ले होगी, एक होगा 12.9 इंच की डिस्प्ले। और दोस्तों ये डिस्प्ले होने वाली है LTPO यानी कि काफी जबरदस्त लिक्विड से जो बनी होती है, दोस्तों मैंने पहले बताया रखा है जो कि लिक्विड बेस्ड डिस्प्ले होती है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस के साथ में। दोस्तों देखते हैं और क्या कुछ स्पेसिफिकेशन निकल के सामने आती है। और दोस्तों बहुत सारे लीक्स वगैरह सामने निकल के आते रहते हैं, बता दूं आपको एप्पल का आईफोन 14 जो होने वाला है कहा जा रहा है कि 48 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ में आएगा, जो मैंने आपको पहले बता रखा है। और दोस्तों आज एक और सामने निकल के आया लीक कि जो आईफोन 15 होगा उसके अंदर एक पेरिस्कोप लेंस भी होने वाला है। अब दोस्तों मतलब 14 आया नहीं, 15 की बातें शुरू हो गई, 13 अभी लॉन्च हुआ है थोड़े टाइम पहले, मतलब पता नहीं क्या करते रहते हैं। तो दोस्तों ये कहा जा रहा है कि पेरिस्कोप लेंस उसके अंदर मिल जाएगा, दोस्तों देखते हैं, मतलब वो तो साल नहीं 2 साल बाद आएगा, तब तक देखेंगे पता नहीं क्या कुछ चेंजेस हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको बता दूं एक और लीक निकल के आ गया एप्पल की तरफ से, और दोस्तों जो iOS 16 होगा वो आईफोन SE 6 SE उसके अंदर नहीं आएगा, उसका सपोर्ट वहां पे खत्म हो चुका है अब, तो उसके अंदर जो है 15 के जो भी अपडेट आएंगे वही आएंगे, उसके अलावा नहीं आएंगे। अभी दोस्तों आप फिर से देखिए 15.2 का अपडेट अभी आ रहा है लोगों के पास, और यहां पे 16 की बातें शुरू हो गई है। दोस्तों बहुत सारे लीक्स होते हैं एप्पल के बारे में, तो देखते हैं दोस्तों कि एग्जैक्टली 16 कैसा होता है, क्या क्या फीचर देके आता है अपने साथ में। और दोस्तों आज एसुस की तरफ से उन्होंने लॉन्च कर दिया अपना नया एक एसुस एक्सपर्ट बुक। दोस्तों ये है B1400 लैपटॉप, दोस्तों काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर आपको मिलने वाला है एक 11 जनरेशन का इंटेल कोर। दोस्तों इसके अंदर तीनों प्रोसेसर मिलेंगे आपको i3, i5 और i7, और ये 11 जनरेशन के होने वाले, तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल। और दोस्तों इसका जो प्राइस स्टार्ट होने वाला है बहुत ही अच्छा है, 32,000 और समथिंग के अराउंड स्टार्ट होने वाला है, मतलब 100 और 200 के बीच में ही। दोस्तों ये बहुत सही प्राइस लगा मुझे, और मैंने आपको अभी संडे को एपिसोड में बताया था कुछ लैपटॉप्स के बारे में, आप उसमें ये भी ऐड कर लीजिए, काफी सही लैपटॉप है। और दोस्तों इसके अंदर आपको 14 इंच की डिस्प्ले मिलती है, और साथ में दोस्तों एक सबसे बड़ी चीज ये है जो ग्राफिक कार्ड मिलता है, मिलता है दोस्तों GeForce MX 330। दोस्तों काफी पावरफुल है और ये 2GB की रैम के अराउंड आता है। बाकी दोस्तों इसकी ओवरऑल जो रैम आपको मिलती है वो मिलती है 16GB की, और दोस्तों इसके अंदर जो है दो तरह के मॉडल आपको मिलेंगे, 1TB SSD में और 2TB HDD में। तो दोस्तों ये सच में एक बहुत बड़ा पॉइंट है, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता SSD 1TB में, वो भी 32,000 और समथिंग में, पर मुझे लगता है दोस्तों इतना प्राइस नहीं होगा उसका, ये जानबूझकर उन्होंने लिख दिया है 32,000 और जो समथिंग वाला प्राइस है उसमें आपको HDD मिलेगी, और जो दोस्तों उसके ऊपर वाले मॉडल्स होंगे उनमें आपको SSD मिलेगी। तो मैंने भी पढ़ा और ये चीज है, तो ये मत ध्यान दीजिएगा कि SSD है उसमें, वो भी 1TB की नहीं, नहीं वो नहीं आएगी, उसका प्राइस ज्यादा होगा। बाकी दोस्तों इसके अंदर जो आपको मिलेगा मैंने आपको बता दिया, अलग अलग प्रोसेसर मिल जाएंगे और विंडो 10 होम प्री इंस्टॉल्ड मिलेगी। दोस्तों सही है, ओवरऑल लैपटॉप बहुत अच्छा है, बाकी जो भी लोग ट्राई करना चाहते हैं नए लैपटॉप को, ये आज लॉन्च हो चुका है इंडिया में, तो आप इसे एसुस की साइट से परचेज कर पाओगे। और दोस्तों रेडमी नोट 11 4G दोस्तों इसके ग्लोबल वेरिएंट जो है कहीं ना कहीं लिस्ट हो चुके हैं, आपको बता दूं
WEC एक नाम की वेबसाइट है जहां सर्टिफिकेशन साइट है उसके ऊपर लिस्ट हो चुका है, और IMDA साइट है दोस्तों सर्टिफिकेशन साइट, इसके ऊपर भी लिस्ट हो चुका है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि मैंने आपको पहले बता रखा है ये फोन जो है कहीं ना कहीं बाहर टेस्ट हो रहे थे ग्लोबली, और कहीं ना कहीं सर्टिफिकेशन इन्हें मिलने शुरू हो चुके हैं। दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये अगले साल आने शुरू हो जाएंगे, और देखते हैं दोस्तों कि क्या स्पेसिफिकेशन के साथ में आते हैं, क्योंकि ये रीब्रांड बहुत करते हैं, देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों आज कंफर्म हो चुका है सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज जो आने वाली है उसके अंदर आपको मिलेगा वन यू आई 4.1, वो भी एंड्रॉयड 12 के साथ में। तो दोस्तों ये बहुत सही लगा मुझे, और क्योंकि दोस्तों जो वन यू आई है वो भी बहुत सही हुआ है, मतलब एकदम क्लीन यू आई टाइप होता है, तो बहुत अच्छा है दोस्तों। और यूके की जो रिटेल स्टोर है उनकी वेबसाइट के ऊपर कहीं ना कहीं आ चुकी है इसकी एक्सेसरी दोस्तों, उसके अंदर जो है एस पेन भी है बीच में इंक्लूडेड है। और दोस्तों ये जो एस पेन है आपको पड़ेगा अराउंड 2900 रुपीज का, और इसके अंदर जो है अलग अलग कलर्स भी आ चुके हैं, आपको बता देता हूँ। इससे ये शो होता है कि जो S22 अल्ट्रा है उसके कितने कलर्स आने वाले हैं। तो दोस्तों इसके अंदर आपको मिलेगा ब्लैक, डार्क रेड, ग्रीन, व्हाइट, तो दोस्तों यही चार कलर आपको मिलने वाले हैं S22 अल्ट्रा के अंदर। तो दोस्तों आज जो है कलर कंफर्म हो चुके हैं, एस पेन का सपोर्ट आ चुका है, बाकी देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक अपडेट निकल के आया है वन प्लस की तरफ से, वन प्लस जो है जल्दी ही इंडिया के अंदर अपने दो नए स्मार्ट टीवी को लॉन्च करने वाला है। दोस्तों इसके अंदर दो साइजेस होंगे 32 इंचेस और 43 इंचेस का। अभी दोस्तों इसकी स्पेसिफिकेशन सामने निकल के नहीं आई है, पर आपको बता दूं रूमर्स ने ये कहा है कि तीन सीरीज है इनकी अलग अलग, क्यू, वाई और यू, इन तीनों में से किसी भी एक सीरीज में आ सकते हैं, हो सकता है दो सीरीज में अलग अलग एक टीवी आपको लॉन्च मिल जाए, तो देखते हैं दोस्तों कब तक आते हैं। और दोस्तों रॉकस्टार गेम्स, आप सभी को पता होगा GTA वगैरह आप खेलते हैं, तो दोस्तों रॉकस्टार जो है उनकी कंपनी है बेसिकली, पेरेंट कंपनी कहूं, उन्होंने आज अनाउंस कर दिया है हॉलीडे सेल को दोस्तों 70% तक, यानी कि अप टू 70% आपको ऑफ मिल सकता है अगर आप कोई इनकी गेम परचेज करते हो जिसके अंदर GTA 5, GTA 4 वगैरह सब आती है। दोस्तों जो लोग GTA को बाय करना चाहते हैं ओरिजिनल वर्जन और थोड़े डिस्काउंटेड प्राइस पे, तो सेल स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग ट्राई कर पाओगे। और दोस्तों गूगल मैप के अंदर एक नया फीचर रोल आउट हो रहा है, और ये है एरिया बिजीनेस। इसके अंदर जो फीचर है दोस्तों बेसिकली ये आपको अवॉइड करेगा कि आप जहां भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां आप ना जाओ। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि गूगल मैप जो है वो आपको शायद वहां का एरिया ना शो करे, या फिर आपको ये शो कर दे कि वो एरिया तो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला है, आप इस डायरेक्शन में मत जाओ या जो भी है। पर दोस्तों मैं सोच रहा हूं कि अगर आपको जाना ही वहां पे है तो गूगल चाहे जितना मर्जी रोक ले, जाना है तो जाना है। बाकी दोस्तों फीचर अच्छा है, उन्होंने कह दिया है कि ये फीचर से मतलब आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे बहुत ज्यादा रश है या बहुत ज्यादा बिजी रूट्स वगैरह चल रही हैं, तो आप ट्रैफिक में फंस जाओगे, तो वहां से आप ना जाओ, रूट वगैरह चेंज करके जाओ। और दोस्तों आज वी यानी कि वोडाफोन आइडिया की तरफ से उन्होंने सर्विस शुरू की है आपके घर तक सिम पहुंचाने की, और दोस्तों ये फ्री सर्विस है। दोस्तों बता दूं इसके अंदर VIP प्रीमियम नंबर्स भी इंक्लूडेड है, तो अगर आपको कोई VIP प्रीमियम नंबर चाहिए, आप वी से मंगवाना चाहते हो, तो अपने घर पे बैठे ऑर्डर कीजिए, आपके घर तक आ जाएगा। अब दोस्तों प्लान तो आपको लेना पड़ेगा, सिम दे जाएंगे वो लोग। और दोस्तों ये जो सर्विस है कुछ अभी सिटीज के अंदर शुरू कर दी उन्होंने, जिसके अंदर इंक्लूडेड है दिल्ली, मुंबई, पुणे और दोस्तों और भी थोड़े से हैं, तो एक बार आप वी की साइट पे जाके चेक कर लीजिएगा। और दोस्तों आज रिपोर्ट्स वगैरह निकल के आई हैं सामने, और लास्ट मंथ मैंने आपको बताया था कि जो वी का नेट है या वी का डाटा है वो बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है, और रिलायंस जियो की कॉलिंग बहुत अच्छी चल रही है, एयरटेल जो है वो थर्ड नंबर पे था, पर आज जो है सब्सक्राइबर काउंट निकल के आए हैं, यानी कि कितने लोगों ने जियो को ज्वाइन किया, एयरटेल को ज्वाइन किया या फिर वी को ज्वाइन किया। तो दोस्तों ये पता चला है कि जियो के अंदर सबसे ज्यादा लोग शिफ्ट हुए हैं, सबसे ज्यादा वी को छोड़ा गया है, और दोस्तों एयरटेल में से भी लोगों को जो है छोड़ा गया है, पर उसका काउंट जो है अभी भी ज्यादा है, तो अच्छी बात है दोस्तों, थोड़ी बदला बदली होती रहती है, लोग जो यूजर जो है वो स्विच होते रहते हैं। और दोस्तों व्हाट्सएप की तरफ से कुछ इंडिकेशंस मिल चुके हैं आज कि आपकी जो स्टेटस होता है या फिर आपका जो कॉलिंग है उसके अंदर एंड टू एंड इंक्रिप्शन मिल सकती है जल्दी ही। और दोस्तों व्हाट्सएप ने कह दिया है कि जैसे ही वो इस फीचर को लेके आएंगे आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे, यानी कि आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचेगा कि आपकी जो कॉल्स हैं और स्टेटस है वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड हो चुके हैं। दोस्तों होना चाहिए, मैसेजिंग के अंदर तो होता ही, आपको पता है शुरू से। और दोस्तों अगला अपडेट निकल के आ रहा है Xiaomi की तरफ से, और Xiaomi के दोस्तों तीन फोन आने वाले हैं 28 दिसंबर को, आपको पता है चाइना में लॉन्च होगी 12 सीरीज को। दोस्तों 12 सीरीज में आने वाले हैं Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 X और Xiaomi 12। दोस्तों ये तीन फोन आने वाले हैं, और दोस्तों अभी अल्ट्रा का कोई कंफर्मेशन मुझे तो नहीं मिला है,
आपको बता दूं इनके स्क्रीन निकल के आई है, यानी कि फ्रंट फेसेस आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं पीछे लगा देता हूँ दोस्तों, ये भी पता चला कि इनके अंदर जो है एंड्रॉइड 12 मिलेगा आपको। दोस्तों ये बहुत सही चीज लगी है। एक और चीज दोस्तों पता चली है कि MIUI 13 को भी इसी के अंदर और इसी लॉन्च इवेंट में लॉन्च करेंगे, तो यानी कि शेड्यूल वगैरह है वो निकल के आने शुरू हो जाएंगे जल्दी ही। दोस्तों बहुत सही है, आपको MIUI 13 भी मिल जाएगा और Xiaomi 12 सीरीज चाइना में लॉन्च हो जाएगी, तो जल्दी ही ये ग्लोबली भी डेब्यू करेगी। और दोस्तों अब बारी होती है ऑटो न्यूज की, और ऑटो न्यूज में सबसे पहला अपडेट निकल के आ रहा है मर्सिडीज की तरफ से। दोस्तों मर्सिडीज की EQE दोस्तों ये जो है इनकी नई SUV होने वाली है, 2022 के अंदर ही इसे अनवील करेंगे। दोस्तों एक्सपेक्टेशंस बहुत है क्योंकि ये गाड़ी जो होने वाली है काफी ज्यादा प्रीमियम, वैसे तो मर्सिडीज है तो प्रीमियम होगी पर बहुत ही ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी के अंदर आने वाली है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त इसके अंदर आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर मिलेगा। बाकी देखते हैं दोस्तों, उन्होंने कहा है कि 2022 के अंदर ही इसे अनवील करेंगे, इससे पहले इसकी शायद ही कोई डिटेल हमारे पास निकल के आ पाए। और दोस्तों आज टाटा ने कहा है कि वो महाराष्ट्र के अंदर अपना एक स्क्रैपिंग प्लांट फैक्ट्री है बेसिकली दोस्तों, उसको लगाएंगे, उस फैसिलिटी को अवेल करेंगे। दोस्तों उन्होंने कहा है कि जल्दी इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। दोस्तों अच्छी बात है, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से अब आपकी कार जो है वो 15 ईयर्स के बाद में स्क्रैप में जाएगी, तो स्क्रैपिंग प्लांट तो होनी चाहिए। दोस्तों उन्होंने कह दिया है कि महाराष्ट्र के अंदर वो अपना पहला या एक स्क्रैपिंग प्लांट लगाने वाले हैं। और दोस्तों इसी तरीके से महिंद्रा के सीरो जो कि स्क्रैपिंग प्लांट्स हैं पहले से महाराष्ट्र के अंदर, उन्होंने कह दिया है कि 4 और नए प्लांट्स बनाने वाले हैं। दोस्तों इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र के अंदर सारी गाड़ियां जाएंगी तो दोस्तों ऐसा ही है, वहां पे 4 यूनिट और नए लगाने वाले हैं और उन्होंने कहा है कि फिर वहां पे स्क्रैप होंगी उनकी गाड़ियां या जो भी उनके पास आएंगी। दोस्तों सही है। और दोस्तों टाटा की तरफ से टाटा टियागो CNG और टैगोर CNG दोस्तों ये दोनों गाड़ियां कंफर्म हो चुकी है, उन्होंने कह दिया है कि अगले मंथ लॉन्च हो जाएंगी। दोस्तों काफी अच्छी बात है, कहा जा रहा है कि इनके अंदर 1.2 लीटर का दोस्तों रिट्रो या रिडबोल्ट पेट्रोल इंजन आएगा। अब दोस्तों ये इंजन होता है स्पेशल इंजन जो कि गैस और पेट्रोल किसी पे भी चल सकता है। दोस्तों काफी अच्छी बात है। वैसे आपको बता दूं इसकी जो है अनऑफिशियल बुकिंग शुरू हो चुकी है, यानी कि कंपनी ने अभी अनाउंस नहीं किया है, पर अगर आप शोरूम में जाओगे तो आपको वहां पे बुकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। अनऑफिशियल है दोस्तों, अभी अनाउंस नहीं किया गया है पर आप कर सकते हो बुक। और दोस्तों ये जो है नेक्स्ट मंथ लॉन्च हो जाएगी, उन्होंने कह दिया है, कंफर्म कर दिया है। दोस्तों अच्छी बात है, देखते हैं और क्या कुछ निकल के आता है। वैसे उन्होंने कहा है कि स्टाइलिंग या फिर इसके इंटीरियर में कोई चेंज नहीं आने वाला है, सिर्फ इंजन जो है वो CNG वाला ऐड हो जाएगा। और दोस्तों अगली जो न्यूज निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ट्रिम की तरफ से। और दोस्तों इन्होंने जो है अपनी आज बाइक का गोल्डन एडिशन लेके आ गए हैं, ये है पोनीवेल। दोस्तों इसका गोल्ड लाइन एडिशन आ चुका है इंडिया में और दोस्तों ये अवेलेबल हो चुका है। अब देखते हैं दोस्तों कितने लोगों को पसंद आता है। वैसे आप इसके पिक्चर वगैरह देख सकते हो और दोस्तों अभी इसकी प्राइसिंग का मेरे को ज्यादा आइडिया तो नहीं पता चला है, पर दोस्तों रहने वाली है अराउंड 10 लाख समथिंग। तो जो भी लोग दोस्तों ट्राई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आज की टेक और ऑटोमोबाइल दोनों न्यूज होते हैं एंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।